तो जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में देखा कि हम आए थे लाल किले और यहाँ के ग्राउंड में हमें सबसे पहले मिली एक बड़ी सी विशाल गाय जिसके साथ हमने फ़ोटो खिंचाई। फिर हमने कुछ शो देखा और साथ ही साथ बहुत सारी दुकानों को एक्सप्लोर करा। उसके बाद हम आपको ले गए थे लाल किला और लाल किला की खूबसूरती को दर्शाया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चरखी भी है, जायंट व्हील, तो जिसको जायंट व्हील में झूलना है वो झूल सकता है। और अब हम यहाँ इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप, हेलो तो अब हम जाने वाले हैं अंदर और वहाँ है एक फ्री शो जो अपने इंडिया के ऊपर है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं खड़े होने के लिए फ्री शो है यहाँ पे। से, भाषा से,
इतिहास इतिहास और संस्कृति के प्रकाश। इस प्रकाश को आपको भविष्य में ले जा रहा है। यही जन्म देगा कल को, कल के रंगों को, कल के भारत को, कल के विश्व को। नीचे फोटो आ रही सबकी। इस देश की प्रताप भविष्य है पुकार का, तुम्हें क्षितिज के छोर से जय हिंद। भारत माता की जय। अगर आप लोग यहाँ आए और आपने ये शो नहीं देखा तो क्या देखा? कुछ नहीं किया आपने आके, तो ज़रूर यहाँ पे शो ज़रूर देखना, बहुत ही बढ़िया शो है। और एक बार आप सभी बोलिए भारत माता की जय। ये कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा शो अंदर? बहुत अच्छा लगा। तो भाई सबका रिएक्शन बहुत ही बढ़िया है और सब लोगों को मज़ा आया अंदर देख कर शो। और यहाँ पे हमारे किसान भाई, यहाँ हमारे किसान भाई कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत होती है। जय जवान जय किसान जय किसान जय किसान। और इधर हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बनाए हैं। और यहाँ पे भैया संत साधु जोगी बाबा बने, बाबा जी बने। और यहाँ भैया एक थी रानी। अच्छा ऊपर। तो भैया कहानी सुना रही। आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने तराइन की पहली लड़ाई में घोर के मोहम्मद को हराया था। और ये जो आप फूट देख रहे हैं, और यहाँ पे हमारे देश के जवान, जय हिंद। हमारे देश का विक्रांत, हमारे देश के क्रिकेटर, तो अब हम परेड के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे और परेड निकलेगी। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के कल्चर एंड डांस फॉर्म, ड्रेस फॉर्म, सब फोक डांस सब दिखाएंगे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। पे बैंड वाले भी आ चुके हैं और अभी यहाँ से शुरू होने वाला है हमारे भारत की डाइवर्सिटी की। इतना मतलब डाइवर्स होने के बावजूद भी हमारा भारत कितना यूनाइट है, हमारा कल्चर कितना मतलब वाइड है और बहुत ही प्यारा है। तो अब हमें दिखने वाले डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का कल्चरल प्रोग्राम और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो परेड शुरू होने वाली है और हमारे भारत के रंग सब दिखने वाले हैं यहाँ पे एक ही प्रस्तुति में। तो आप अपना दिल थाम कर बैठिए और यहाँ पर
मज़े लीजिए। और ये देखिए उत्तरांचल हमारे देवभूमि का ही गढ़वाल बैंड है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे उत्तराखंड का नाम कहीं भी आता है और हमारे भारत देश का नाम आता है, तो आप लोग गर्व कीजिए अपने देश पे। बैंड वाले भैया भी पौड़ी के हैं उत्तराखंड के, उत्तरांचल का है वो देख लेना, उत्तरांचल बैंड है, तो हमारे उत्तराखंड के लोग मिल गए यहाँ पे। दीदी परेड बहुत मजा आया, बहुत मस्त, और उत्तरांचल का बैंड था तो वो भी अच्छा लगा सुनकर, बहुत ज्यादा, बहुत ही मजा आया। तो दोस्तों अब हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स दिखाते हैं आपको, जो यहाँ पे एक झांकी बनी हुई है और सतरंगी नाम से कॉर्नर है जहाँ पे आपके क्लोथ सब कुछ है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। जनवरी में अपनी बार यही तो आई थी, हाँ 26 जनवरी में ये झांकी आई थी, थी। हाँ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की यही झांकी निकली थी तो यहाँ पे लगाई गई है, तो मैं आपको एक बार बैक कैमरे से भी दिखा देता हूँ। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इस बार की झांकी भी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू, और गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी इनका ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, इसीलिए हम इस देश में आज़ादी से घूम रहे हैं और लाल किले में घूम रहे हैं। हाँ, और 75वां आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं, ताई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, शाम के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ नेक्स्ट है भाग प्रिंट मध्य प्रदेश,
बताओ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग राजस्थान। यहाँ पे आज खाली है, छुट्टी पे आ रही है बांधनी, गुजरात की बांधनी। हेलो, राजस्थान का सिबोरी। लंबाणी का एम्ब्रॉयडरी, कर्नाटक कसूती एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी कर्नाटक। फुलकारी एम्ब्रॉयडरी पंजाब। तो हम ऑलमोस्ट घूम चुके हैं, बस थोड़ा बहुत जो बचा है यहाँ पे विलेज का कुछ बना हुआ है तो वो दिखाते हैं और फिर चलते हैं घर की ओर। और यहाँ पे खाट भी है तो मतलब इधर पूरा विलेज का दिखा रखा है सीनरी। छोटे छोटे टेंट हाउस बने हुए हैं तो आप इसके अंदर भी जाए। देखिए ब्यूटीफुल टेंट हाउस। हमारी ट्रिप अब ख़त्म हो चुकी है और एक बार आपको लाइट मतलब नाइट व्यू दिखा देता हूँ, नाइट व्यू दिखा देता हूँ आपको मैं। तो नाइट व्यू देखो यहाँ का, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सामने चरखा भी बहुत प्यारा लग रहा है, एलिफेंट भी। सो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया है, तो क्या करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ, और बेल आइकन भी दबा देना है और आने वाली वीडियोस को भी ऐसे ही प्यार देना है। बाय बाय।